अत्याचारी सभाकर में पत्रकारों को गुड़बस की जानकारी देते हुए अपर जिला अधिकारी प्रशासन अमित सिंह और जिला अबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया है कि अबकारी निरीक्षक राजेश कुमार, अबकारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार, भय अधीक्षक स्टाफ के द्वारा ही चेकिंग करवाई गई, जिस चेकिंग के दौरान ही रामपुरा तिराहे में ही आपको बताते चले ट्रक संख्या ये बताई जा रही, जिसमें ट्रक का देख कर मुखबिर को बताते चलते हैं कि जहां पर गैर प्रांता के अवैध शराब दवाइयों के पीछे छिपा कर रखी गई थी, जिसमें अबकारी विभाग की टीम ट्रक को चोर और घेरे में रोक लिया है, तलाशी शुरू कर दी है। टाइम ब्रेक न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। सुबह मुखबिर की सूचना पे जिला आबकारी अधिकारी की टीम द्वारा रामपुर तिराहे पर एक गाड़ी पकड़ी गई है और इसकी जब इसका निरीक्षण किया गया तो उसमें 235 पेटी इलीगल शराब मिली है, जो नॉट फॉर सेल इन यूपी की शराब है। इट इज़ फॉर सेल फॉर अरुणाचल प्रदेश और ये पंजाब हरियाणा से जो बॉर्डर टू बॉर्डर आती है। इस पर जिलाधिकारी महोदय का भी सख्त निर्देश थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में था कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो शराब का आवजन होता है उसकी रोकथाम की जाए। उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। इसमें सबसे खास बात है कि 235 पेटी नॉट फॉर सेल यूपी की शराब मिली है। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारा कैटल फीड के डब्बे मिले हैं जो पशु के आहार में प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं जो इसमें शराब की मिलावट के उद्देश्य से इसको इस गाड़ी में रखा गया था। और इसमें दो अभियुक्त तहसीन और रोहित, जो दोनों इस मुजफ्फरनगर के निवासी हैं छपा चरथावल के, उनकी गिरफ्तारी की गई है, मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मार्केट में अगर व्यक्ति तो किस तरह का नुकसान, चूँकि 235 पेटी तो शराब है, यदि इसमें मिलावट की जाती तो इसमें लाखों का राजस्व नुकसान होता और साथ में जो जनहानि की भी संभावना रहती है, क्योंकि इसमें कैटल फीड का प्रयोग किया जाता और इस शराब में कैटल फीड की मिलावट की संभावना से इनकार नहीं किया जाता था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए।